तो गाइस मेरा जो रिएक्शन था जो राइड कैंसिल के बाद से यार, तो मेरे कुछ ये समझ तो आ नहीं रही थी करना क्या है। एंड राइड कैंसिल भी जब कस्टमर बोलता है कि यार आप सो हेलो गाइस कैसे हो सब आप। एंड गाइस एक्चुअली आज क्या हुआ था मेरे साथ यार, इन ड्राइव पे एक राइड आई थी एंड देन हमने उसको एक्सेप्ट किया। एंड एक्सेप्ट करने के बाद से यार जब हम उसके पिकअप लोकेशन पे जाते हैं कस्टमर से जब हम बात करते हैं तो कस्टमर जो बोलता है कि आप 10 मिनट वेट कर लो देन हम चलते हैं। तो हमने यार लोकेशन पे हम 10 मिनट वेट करते हैं देन कस्टमर का फिर से फ़ोन आता है यार, वो कहता है कि आप राइड कैंसिल कर दो यार। तो चीज़ें यार मेरे को समझ भी नहीं आई कि यार ऐसा क्यों बोला। तो उसने बोला कि मेरे को अभी टाइम लग जाएगा, तो मैंने कहा आप कैंसिल करो। एक तो यार मैं 3 किलोमीटर से आता हूँ, आप कहते हो राइड कैंसिल करो, तो यार किसी का भी मतलब यार दिमाग ख़राब हो जाएगा यार कि आपको मतलब पता है कि यार इसमें कोई कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं मिलता है। एंड देन कैंसिलेशन का भी क्या फ़ायदा है यार कि आप 3 किलोमीटर आए आपको 7 रुपये 8 रुपये मिले। देन यार क्या हुआ था कि वो कस्टमर जो था राइड कैंसिल नहीं करा था, तो यार फाइनली मेरे को ही राइड कैंसिल करना पड़ा। एंड जो रीज़न मैंने डाला था मिसबिहेव का डाला था। एंड देन राइड तो कैंसिल हो गई, देन हम कुछ देर बाद चेक करते हैं कि यार उसने इन ड्राइव ने मेरे ही वॉलेट बैलेंस से अपना जो कमीशन है उस राइड का उसने डिडक्ट कर दिया। यार जो चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आई यार, मतलब आप राइड कैंसिल भी होती है 3 किलोमीटर पिकअप भी जाते हो देन आप ही का पैसा कटता है यार। और फिर मैं दिमाग तो ख़राब हो चुका था गाइस, तो फिर मैंने इन ड्राइवर सपोर्ट पे गया एंड इनका तो कोई कॉल सपोर्ट है नहीं गाइस। इन ड्राइवर इतनी फेक, इतनी फ्रॉड और इतनी घटिया कंपनी है गाइस कि इनका कोई सपोर्ट नहीं है। आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हो जाए किसी तरह का तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो इनका जो चैट सपोर्ट था मैं उस पर गया, मैंने ये चीज़ बोली तो कह रहे थे यार आपको रिफंड नहीं मिलेगा। देन यार दिमाग तो अपन का ख़राब हो ही चुका था, तो देन उनको खूब सारी गालियाँ दी चैट पे। देन उन्होंने मेरी जो आईडी है कल तक के लिए 3 बजे तक ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है यार, अपने तुमने पैसे काट लिए ना, अपने पैसे वसूलने आते हैं। तो गाइस मेरा जो रिएक्शन था जब कस्टमर ने बोला यार कि यार मतलब ये जो राइड्स है यार मतलब आप कैंसिल कर दो, तो यार एक चीज़ तो यार समझ में नहीं है कि आप मतलब किसी राइड के लिए यार आते हो 3 किलोमीटर देन कस्टमर बोलता है यार आप राइड कैंसिल कर दो, जब आपको मालूम है या कस्टमर को भी मालूम है यार कि कोई कैंसिलेशन चार्ज उसको नहीं देना है। तो अपन दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था एंड देन अपन गुस्से में फिर राइड को वो कस्टमर तो राइड कैंसिल करने लगे क्योंकि वो राइड क्यों कैंसिल कर, क्योंकि उसकी भी आईडी ब्लॉक हो जाती अगर वो भी कैंसिल करता तो। एंड फिर अपन को भी फिर काफ़ी टाइम बाद राइड कैंसिल करना पड़ा। कैंसिलेशन चार्ज तो छोड़ो यार, मतलब अपना ही पैसा कट गया, मतलब यार आपने राइड किया भी नहीं, मतलब आप मतलब कुछ चीज़ समझ में नहीं आती। अपन का रिएक्शन बस यही था यार कि मतलब इन ड्राइवर को मतलब क्या क्या चीज़ें बोलनी है, मतलब अपन दिमाग में ही सोच रहे थे कि इन ड्राइवर की आज माँ बहन कैसी करनी है, मतलब वो सोच लिया था कि मतलब ये तो यार आप फिर मतलब एक तो आप पहले पैसा लेते हो राइड्स के लिए तभी आप राइड देते हो, ये अदर्स में नहीं है ना कि मतलब आप इसमें पहले वॉलेट में बैलेंस डालो देन आपको फिर से इसमें राइड मिलेगी। अदर्स में क्या है कि आप 300 नेगेटिव बैलेंस तक आपको राइड मिलेगी एंड देन इसमें क्या है यार पहले पैसा डालो देन फिर आपको राइड मिलेगी यार। तो इसका सबसे घटिया सिस्टम तो यही है यार कि पहले पैसा दो फिर आपको राइड मिलेगी, मतलब पहले मेरा दे दो उसके बाद तुम फिर अपना तुम्हारा मिलेगा, मतलब इसको पहले अपना पैसा चाहिए फिर राइड तुम करो। अदर्स में ऐसा कुछ नहीं यार कि आप जो राइड्स करते हो देन मेरा यही कहना चाहता है यार कि आप इन ड्राइवर को आप फुली इग्नोर करो, बायकॉट करो यार, आपको यूज करना ही नहीं है इन ड्राइवर। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ अगर आप यार राइडर हो या कस्टमर हो तो यार आप कस्टमर के लिए मैं चीज़ें बोल रहा हूँ और राइडर्स के लिए भी बोल रहा हूँ कि यार एक तो इन ड्राइवर के अगर कस्टमर के साथ कुछ स्कैम या फ्रॉड होता है तो आपको किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी नहीं है यार जैसे कि अदर्स ऐप में है, जैसे ओला उबर रैपिडो में है, देन आप में इसे किसी तरह का भी पॉलिसी नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी किसी तरह की सपोर्ट नहीं है। एंड अदर्स ऐप में आपको कॉल सपोर्ट मिलता है, इसमें आपको कॉल सपोर्ट नहीं मिलता। आप अपने चीज़ जो आपके साथ होती है आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, चैट में आप चीज़ें क्या ही चीज़ बोल पाओगे यार। मतलब आज मेरे साथ जो हुआ है वही हुआ है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना, इतनी घटिया चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी गाइस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ की इसके कोई कैंसिलेशन रिफंड नहीं है, हर चीज़ है कि यार अगर आपके 3 राइड कैंसिल हो जाए देन आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, देन आप फुली इसको यार इग्नोर करो, आपको इन ड्राइवर नहीं यूज़ करना चाहिए यार। ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही यार, ये पहली बार हुआ, इसके साथ भी मतलब कितने टाइम हुआ यार कि मतलब मेरी जो आईडी है वो ब्लॉक हुई है और मतलब पैसे भी कटे हैं यार, मतलब राइड कैंसिल होने के बाद से पैसे भी कटे हैं देन रिफंड भी नहीं मिला है, और पिकअप लोकेशन पे जाने के बाद से भी कस्टमर का वेट करने के बाद से कस्टमर ने राइड कैंसिल किया है। एंड कितने टाइम ये होता है कि यार कस्टमर राइड कैंसिल भी नहीं करता, फाइनली आप ही को राइड कैंसिल करना पड़ता है, देन आपके पैसे भी कटते हैं और देन आपका आना भी वेस्ट हो जाता है।
तो मैं यही कहूंगा कि यार आप पेन ड्राइव मत यूज करो यार, सबसे घटिया, सबसे वाहियात और सबसे बकवास चीज है यार। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कोई कस्टमर अगर पेन ड्राइव पर बुक करता है ना, तो देन अगर उस पर कोई राइडर जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है यार, ओला उबर रैपिडो पे वो बुक करेगा। देन आप उस पर जाओ यार, जिस पर आपको किसी तरह का सपोर्ट मिल पाए। एक तो यार इन ड्राइवर पे नेगोशिएशन वाला सिस्टम है, क्या कस्टमर जो फेयर डालता है फिर आप उस पर नेगोशिएट करो, एंड देन उस पर किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कॉल सपोर्ट नहीं है, कोई कैंसिलेशन फीस नहीं मिलता यार। एंड इसकी जो सर्विस है काफ़ी घटिया है यार। एंड इस पर कुछ जो चीज़ें होती हैं फ्रॉड भी होती है, फेक चीज़ें राइड्स आती हैं। एंड यही चीज़ था यार, मेरा आईडी ब्लॉक होने का रीज़न यही था यार, कि राइड में और मेरी आईडी ब्लॉक हुई एंड देन मेरे पैसे भी कटे। तो मैंने इन ड्राइवर को यार काफ़ी चीज़ें सुनाई एंड देखते कल चालू हो जाएगा गाइस। तो यही था यार मेरा इन ड्राइवर ब्लॉक होने का रीज़न, कि मतलब यार कि आप राइड्स के लिए जाते हो, आप कैंसिल करते हो, देन आपका कैंसिलेशन चार्ज आप ही के अकाउंट से कटेगा एंड वो कैंसिलेशन रिफंड भी नहीं मिलता यार। तो इतनी घटिया चीज़ शायद ही किसी ऐप में हो। तो यार अभी देखते हैं कल चालू जाता है। तो गाइस यही था यार आज का सीन, तो यही था यार। तो यार वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में गाइस। तो इस वीडियो में इतना गाइस, टेक केयर, बाय बाय।